नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस ताजा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आपको निष्पक्ष व निर्भीक होकर खबरें उपलब्ध कराता है टीवी 20 न्यूज। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रोजे संस्था के द्वारा विकासखंड तरवा, जहानागंज और मेहनगर के मुसहर 174 परिवारों को राह किट वितरण किया गया। संस्था के द्वारा एक मुसहर परिवार को 20 दिनों के लिए सूखा राशन प्रदान किया गया, तो वरही, टिशौरा, माफी, मशुआ, कुढ़ाफार, सराय वृंदावन, छुआ, देवकली सहित तमाम गाँव में के 174 परिवारों के महिला मुखिया को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जरूरतमंद परिवारों ने राशन प्राप्त किया। गिरजा देवी, सुभावती देवी, रीता देवी और बिंदु देवी ने बताया कि रोजा द्वारा विगत 12 सालों से हमारे परिवार के विकास में सहयोग प्रदान कर रही है। जब हमारे बच्चे छोटे थे तब से लेकर आज तक संस्था का साथ मिल रहा है। रोजा के दीपिका सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो सामग्री राशन की दुकान से गरीबों को प्राप्त हुई है, संस्था उन वस्तुओं को छोड़कर रसोई के अन्य सामग्री को प्रदान किया है ताकि रसोई की सामग्री के गैप को पूरा किया जा सके। और ये कोरोना वायरस महामारी के दौरान रोजा संस्था के तरफ से 4 बार हम लोगों को राशन सामग्री मिली है, जैसे जिसमें आलू है, तेल है, अरहर दाल है, प्याज है, कुल 15 सामान मिला है हम लोगों को, जिससे हमारे परिवार और बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि एक जो सराहनीय काम रोजा संस्था के तहत से हुआ है आगे भी चलता रहे। और ये रोजा संस्था जो सराहनीय काम किया कर रही है, मैं चाहता हूँ कि आगे भी प्रगति करे। और मैं सभी मुसहर समुदाय के तरफ से रोजा संस्था को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सुरेश है, ग्राम कुढ़ापार से मुसहर समुदाय से हूँ। हम लोगों को महामारी, ये जो कोरोना वायरस महामारी के समय में रोजा संस्था के तहत जो हमको चार बार कुछ सामग्री मिली है, इससे हम लोगों को परिवार में काफ़ी लाभदायक सहाय हुई है। इसलिए मैं सभी मुसहर समुदाय के तहत रोजा संस्था को बार बार धन्यवाद करता हूँ।